हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीआरडी क्लासेस। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सामान्य विज्ञान का एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे जो न्यूटन के गति का प्रथम नियम है, जिसे दोस्तों हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। आप देख भी रहे हैं कि कुछ व्हाइट बोर्ड पे आप लोग के सामने फिगर बनाए गए हैं। फिगर उतना सूटेबल नहीं होगा दोस्तों, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझेंगे कि ये जड़त्व का नियम होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, जड़त्व का नियम जो होता है वह यही कहता है, न्यूटन ने यही कहे थे कि जब कोई बॉडी अपनी स्थिति में है और उस पर जब कोई हम बाह्य बल लगाते हैं तो उसका जो विरोध करे उसी को हम जड़त्व कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई भी बॉडी अगर वो चल रही है तो उस पर रोकने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, बल लगाते हैं, और रुकी हुई है तो उस पर चलाने के लिए हम बल लगाते हैं तो उसका वो विरोध करता है, उसी को हम जड़त्व का नियम कहते हैं। आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं दोस्तों। देखिए ये है दोस्तों बॉल, ये क्या है दोस्तों, रुकी हुई अवस्था में है। आप लोग देख रहे होंगे कि ये स्टॉप है, रुकी हुई अवस्था में। मान लीजिए इसको अगर हमको चलाना है दोस्तों तो हम क्या करेंगे, इस पर बल लगा देंगे। मान लीजिए ये बल लगाए, देखिए दोस्तों चलने लगा, ठीक। तो ये हो गया दोस्तों, अपनी स्थिति का ये विरोध करेगा, ठीक। तो मान लीजिए इस पर कम फोर्स लगा था तो हमने अधिक लगाया, ये चलने लगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए देखिए एक और दोस्तों आप लोग को दिखाते हैं जो चलती हुई होगी और उसको रोकने के लिए हम बाहर से बल लगाएंगे। मान लीजिए रुकी हुई थी, एक बार फेंकेंगे दोस्तों तो क्या है, एक मोशन में आ गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए एक आप लोग को और हम चीज दिखाते हैं जो चलती हुई अवस्था में होगी और उसको हम रोकने का प्रयास करेंगे बाह्य बल लगा के। देखिए दोस्तों, ये मेरे पास उपस्थित था, मैंने इसका सोचा कि आप लोग के सामने दिखा दूं। देखिए नाच रहा है दोस्तों, ठीक। ये भी मोशन में है, ठीक, ये भी अपनी अवस्था में है दोस्तों, ये गति कर रहा है। इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, बाह्य बल लगाएंगे। बाह्य बल लगा दिए दोस्तों, देखिए रुक गया, तो इसी को हम जड़त्व कहते हैं दोस्तों। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल लेंगे दोस्तों, देखेंगे कि कहाँ कहाँ जड़त्व का नियम काम करता है। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, जैसे आप लोग देखे होंगे पेड़ पौधे जिस पर फल लगते हैं, ठीक है दोस्तों। फल लगते हैं तो आप देखते होंगे जब हम उनकी डालियों को हिलाते हैं दोस्तों, मतलब उनके टहनियों को जब हिलाते हैं तो उसमें जो फल लगे होते हैं दोस्तों वो टूट कर नीचे गिरने लगते हैं। ये जड़त्व का पहला नियम होता है दोस्तों, ये नोट कर लीजिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि पेड़ की टहनियों को हिलाने से फल टूट कर नीचे गिर जाते हैं। जैसे दोस्तों हम टहनी को हिलाएंगे, इसमें जो फल लगे रहेंगे वो क्या होंगे दोस्तों, टूट कर नीचे गिरने लगेंगे, क्योंकि जो ये इसकी टहनी होगी, जो पेड़ की टहनी होगी दोस्तों, वो किसमें आ जाएगी, गति अवस्था में आ जाएगी, ठीक, गति अवस्था में आ जाएगी। जबकि जो फल रहेगा दोस्तों वो तो विराम अवस्था में रहेगा, रुकी हुई अवस्था में रहेगा। जब ये रुकी हुई अवस्था में रहेगा तो इसमें भी गति आएगी, और जब गति आएगी दोस्तों तो ये टूट कर क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। यही होता है दोस्तों जड़त्व के नियम का, यहाँ पे काम करता है जड़त्व का नियम, मतलब पेड़ की टहनी से फल को टूट कर नीचे गिरना एग्जाम्पल है जड़त्व का नियम, यानी कि न्यूटन के प्रथम नियम, ठीक है दोस्तों। फिर से आप लोग देखते हैं दोस्तों, जब हम किसी भी गाड़ी में बैठे होते हैं, कोई भी गाड़ी हुआ दोस्तों, अगर वह रुकी हुई अवस्था में होती है, मतलब रुकी हुई होती है, और जब वो आगे बढ़ती है दोस्तों, रुकी हुई गाड़ी को चलने पर बैठा व्यक्ति क्या हो जाता है दोस्तों, पीछे की ओर झुक जाता है। इधर झुकता है दोस्तों, पीछे की ओर, ये दिमाग में रखिएगा। जब ये आगे बढ़ेगा दोस्तों तो यहाँ पे जो बैठा रहेगा, इसमें जो बैठा रहेगा वो पीछे की तरफ देखते होंगे आप लोग कि पीछे की तरफ झुक जाता है। पीछे की तरफ क्या होता है दोस्तों, झुक जाता है, ठीक। वैसे ही दोस्तों अगर कोई गाड़ी है, ठीक, अगर गाड़ी है, मान लीजिए ये चल रही थी, ये मोशन में थी दोस्तों, क्या थी, मोशन में थी। तो मोशन में जब थी दोस्तों ये थोड़ा मोशन में, मतलब गति अवस्था में थी, तो गति अवस्था में थी दोस्तों, तो ये बस मान लीजिए चल रही थी, ये गाड़ी चल रही थी, हुआ क्या दोस्तों, मान लीजिए कोई ब्रेक लगा दिया, ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, तो सभी लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो गाड़ी होती है ये गति अवस्था में होती है, और जो हम लोग बैठे होते हैं दोस्तों, ये जो कमर का ऊपर का भाग होता है ये हम लोग की गति अवस्था में होती है, इसलिए जब वो ब्रेक लगाता है तो व्यक्ति किधर झुक जाते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए एक और एग्जाम्पल पूछता है दोस्तों कि दौड़ते घोड़े पर बैठा व्यक्ति गिर जाता है पीछे की तरफ, जब घोड़ा अचानक क्या हो जाए दोस्तों, रुक जाए। तो ये भी एग्जाम्पल है जड़त्व का, ठीक है दोस्तों।
अब देखिए एक और एग्जांपल पूछता है कि पत्थर मारने पे कांच जो होते हैं वो चनक जाते हैं, मतलब फूट जाते हैं, लेकिन वही गोली से जब हम मारते हैं दोस्तों, जब गोली हम चलाते हैं तो जो कांच होता है उसमें एक छिद्र हो जाता है, वो पूरा फूटता नहीं, एक छिद्र हो जाता है, ये जड़त्व का कारण ही होता है दोस्तों। ठीक, अब देखिए एक और एग्जाम्पल है, जैसे कंबल को डंडे से पीटने पर धूल नीचे की जाते हैं। चलिए दोस्तों हम एग्जाम्पल के साथ आप लोग को समझाते हैं। ये है दोस्तों कंबल, ठीक, ये है कंबल और ये है डंडा, ठीक है दोस्तों। अब इसको पीटेंगे, ठीक, तो पीटेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये देखिए ये जो कंबल है ये मोशन में आ जाएगा, और जो इसके धूल होंगे वो क्या होंगे दोस्तों, रुकी हुई अवस्था में होंगे, और जो धूल होंगे वो नीचे गिर जाएंगे। तो ये भी जड़त्व का नियम ही होता है दोस्तों, तो नोट कर लीजिएगा कि कंबल को पीटने पर जो उसके धूल होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, ये जड़त्व का नियम ही होता है दोस्तों। क्योंकि अभी हम पीटे हैं कंबल को, तो कंबल क्या होगा दोस्तों, गति अवस्था में आ गया, गति अवस्था में आ गई, वो हिलने लगा तो गति हो गई, और जो उसके धूल होंगे तो धूल तो गति अवस्था में नहीं आते, वो विराम अवस्था में होते हैं, इसलिए वो क्या हो जाते हैं दोस्तों, नीचे की तरफ गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर से देखिए दोस्तों, कहे देखिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, जो कह रहा है कि यदि गिलास के ऊपर रखे पोस्ट गार्ड पर, अगर पोस्ट गार्ड को हम धक्का देते हैं तो उस पे सिक्का रखा रहता है वो गिलास में चला जाता है। चलिए दोस्तों हम प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं। देखिए दोस्तों मेरे पास जो उपस्थित है उसी के साथ समझाऊंगा। जैसे मेरे पास ये है गिलास, ठीक, स्टील की गिलास है दोस्तों, कांच की गिलास नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रयास कीजिएगा, अपने घर पर आप आसानी से इसको समझ सकते हैं दोस्तों। मेरे पास पोस्ट कार्ड सफ़ेद वाली चाहे कोई भी नहीं है दोस्तों, मेरे पास एक कवर पेज है जिसको मैंने ले लिया है। अब देखिए दोस्तों मैंने इसको इस पे रखा और मैंने सिक्का लिया, ठीक है दोस्तों। अब सिक्के को इस पे रख दिया दोस्तों, ठीक, सिक्के को मैंने रखा और इस पे देखिए दोस्तों मैंने फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक, वो मान लीजिए गिर गया, लेकिन मैंने एक अभी प्रयास किया था जो ये गिलास में ही गिरा था। आप लोग कांच की गिलास लीजिएगा, स्पष्ट आप समझ जाएंगे दोस्तों, ठीक। तो ऐसे एक एग्जाम्पल होता है दोस्तों कि देखिए अब होता क्या है दोस्तों, जैसे मैंने गिलास लिया और एक पोस्ट कार्ड लिया, ठीक है दोस्तों, पोस्ट कार्ड लिया, तो जब पोस्ट कार्ड इस पर रखते हैं और जब इस पर हम धक्का देते हैं दोस्तों, ठीक, तो जो गिलास जो ये सिक्का होता है तो विराम अवस्था में होती है, ये भी विराम अवस्था में है। जब इसको हम मोशन में लाते हैं दोस्तों, तो जो सिक्का होता है वो विराम अवस्था में रहता है, ये पानी के अंदर चला जाता है, ये जड़त्व का नियम होता है दोस्तों। फिर से अगला जो है कारण कि हथौड़े को है, हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए जमीन पर मारते हैं। आप लोग देखे होंगे दोस्तों, जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे वे लोग हथौड़ा देखे होंगे दोस्तों। ये तो मेरे पास दोस्तों आयरन की है, लोहे की हथौड़ी है, लेकिन देखिए दोस्तों जो ये हत्था होता है और ये हथौड़ी होती है, इसके बीच में एक होल होता है, तो जब हम इसको लगाते हैं दोस्तों तो इसे हम जमीन पर मतलब ऐसे पकड़ के और ऐसे मारते हैं दोस्तों, ठीक। जब इसको हम मारते हैं तो ये जो हथौड़ा होता है दोस्तों, ए तो विराम अवस्था में होती है और एक हो जाती है मोशन, गति अवस्था में हो जाती है, और आसानी से दोस्तों फिक्स हो जाता है और इससे हम लोग काम करते हैं। तो ये था दोस्तों न्यूटन के गति का प्रथम नियम, यानी कि जड़त्व के कुछ एग्जाम्पल जो बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं दोस्तों, जैसे कोई अगर बॉडी है बहुत तेज फास्ट दौड़ रही है और कोई स्लो है, तो जो फास्ट है उसको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, जो स्लो है उसको रोकने के लिए बहुत ही कम बल लगाना पड़ेगा। ये सब दोस्तों जड़त्व का नियम है। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों, तो जब भी इस पे क्वेश्चन बनते हैं तो इस टाइप के आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई देते हैं, आप चाहते हैं तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं दोस्तों। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ जाए दोस्तों, तो इसको इतना शेयर आप कीजिए कि सभी दोस्त इस वीडियो को देखें, और इसका दूसरा नियम भी कल हम लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।